अलैकुम। आज का वीडियो है यूरोप ट्रिप के मुतालिक। और खैर वो तो यूरोप ट्रिप तकरीबन 10-12 दिन का था, तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स के अंदर आपको उसका शेयर करता रहूँगा ओवर द पीरियड ऑफ द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। तो आज डे 1 के मुतालिक है। और डे 1 में ऐसा हुआ कि जैसे हम यहाँ से टोरंटो से फ्लाई किया और फिर हम लिस्बन पहुँचे और फिर लिस्बन से वो जो शहर है कैसकेस वहाँ गए। तो उसके मुतालिक मैं आज आपकी पूरी जो जर्नी है वो शेयर करूँगा। ये हमारा सफ़र यहाँ से शुरू हुआ। ये हमारा एयरपोर्ट पे जहाज़ लैंड होने को आ रहा था। यहाँ पे आप थोड़ा सा टोरंटो एयरपोर्ट जब हम पहुँच रहे होते हैं ये उसका अप्रोच है। यहाँ पे आप देखते हैं सारे जहाज हमारा खड़े हैं, देर के बाद नज़र आते हैं। यूरोप का एयर ट्रिप ऑफिशियली स्टार्ट हो चुका है। यूरोप में जो टर्मिनल है वहाँ पे गेट पे सामने वेट कर रहे हैं। अगला कोई 2 घंटे की वेट है, उसके बाद फिर जहाज़ में बोर्डिंग है। तो यहाँ से फिर अब आपको पहले पुर्तगाल, उसके बाद फिर स्विट्ज़रलैंड, बेलग्रेड, सर्बिया, वहाँ से फिर वापस लिस्बन, फिर स्पेन, और ये पूरा आपके साथ तब ट्रिप शुरू करेंगे। जहाँ में जगह तो मिल गई है, लेग स्पेस तो खैर है थोड़ी सी, होपफुली शुड बी एन ओके जर्नी। थोड़ी जगह तो है जी। यहाँ आप देख सकते हैं हम पहुँच गए लिस्बन। लिस्बन में ये जो पुर्तगाल के जहाज थे, अब यहाँ से हम एग्ज़िट करते हुए बाहर निकल रहे हैं और ये बाहर आ जाते हैं। जैसे ही आप बाहर आए यहाँ पे आप देख सकते हैं, फिर आप लेफ़्ट साइड पे ना जो जो लोग हमने बुकिंग कराई हुई थी, तो जिन लोगों ने बुकिंग कराई हुई थी उनका नेम टैग यहाँ पे लगे हुए होते हैं। तो यू कैन एक्चुअली गो अप टू देम एंड टेल देम, और फिर आप अपना बोर्ड करके आगे निकल जाएँ। तो हम भी अभी इसी में, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं वो जाते हुए बंदे को बता रहा हूँ, ये मेरा नाम टैग है यहाँ पे लगा हुआ है। वो आया, उसने मेरा नाश्ता खाना खा रहा था उधर से। खैर वो आया, उसने ड्राइवर को काम किया, ड्राइवर ने मुझसे मुलाकात की और फिर हम वहाँ से वो हमें ले गए। राइट हैंड साइड पे एग्ज़िट है और काफ़ी अच्छी जगह है वहाँ पे। लिस्बन एयरपोर्ट में अंदर खाने पीने का इंतज़ाम, यहाँ पर बड़ा ओपन स्पेस में ऊपर बड़ा अच्छा स्ट्रक्चर बना हुआ है। मैंने वो कैप्चर नहीं किया उसको, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम बस अपने टैक्सी पे वॉक करते हुए पहुँच गए। यहाँ पे अब उन्होंने सामान अपनी टोल के डिग्गी में हमारा सामान शामान लोड कर दिया सारा, तो थोड़ी देर में हमारी यहाँ से रवानगी हो जाएगी। यहाँ से हम अब अपना सफ़र शुरू कर दिया। और तकरीबन जो शहर हम जिसमें जा रहे थे वो थोड़े से फासले पे था, इट्स अबाउट 45 मिनट्स फ्रॉम वेयर वी वर इन लिस्बन। इलेक्शन हो, खैर वहाँ पे इलेक्शन भी सीज़न चल रहा था, लोगों के काफ़ी सारे पोस्टर लगे हुए थे। ये आप देख सकते हैं बिल्डिंग्स बड़ी ग्रीन और बड़े ब्राइट कलर सॉरी में आते हैं। दूर से भी आप देख सकते हैं यहाँ पे वो पिंक लगा हुआ है। ये बड़ी लेटर ऑन वीडियोज़ में भी आपको नज़र आएगा, ये कैसकेस का शहर का नज़र आ रहा है जहाँ वो हाईवे से हमने एग्जिट लेना था। एक स्टेपल्स भी था वहाँ पर, ये स्टेप्स के अंदर पूरा बना हुआ है रास्ता, आबादी, आसमान बड़ा बेहतरीन किस्म का साफ। ये वो शहर आ गया कैसकेस का जिसमें हमारा जहाँ पे हम ठहरे हुए थे कोस्टल सा विलेज सा था, बड़ा प्यारा सा बना हुआ है। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साथ में बीच भी था, शाम में यहाँ पे कॉन्सर्ट भी होता रहा। तो यहाँ पे लोग वॉक वगैरह, रेस्टोरेंट्स वगैरह बने हुए हैं खाने पीने के लिए। यहाँ पे आगे सिटी स्क्वायर है, ये भी हम आगे वहाँ से ये वाला ये आ गया वो सिटी स्क्वायर का फुटेज पूरा। यहाँ से मैंने अपना जो कैमरा है वो घुमाया। शाम को ये खाने का ये हलाल जगह थी, ये खाना खाएंगे। ये वो ट्रेन स्टेशन है, यहाँ पे फिर हमने टिकट यहाँ से ख़रीदी थी लिस्बन के लिए। तो बड़ा खूबसूरत सा प्यारा सा स्टेशन था। उसके बाद हमने खाई एक बेहतरीन आइसक्रीम। ये शहर आप देख सकते हैं कैसकेस का कोबल स्टोन से बना हुआ था, हिस्टोरिकल सी जगह है वहाँ पे, जगह जगह पे बनी हुई है, उनको मार्क किया हुआ है उन लोगों ने। तो आप वहाँ पे रुक के उनके बारे में हिस्ट्री वगैरह पढ़ सकते हैं कि वो क्या है। जी आपने देखा वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया, थोड़ा सा आपको आइडिया हुआ होगा कि लिस्बन और कैसकेस जो 2 शहर हैं जिसमें हम बैक एंड फोर्थ कर रहे थे पहले दिन पुर्तगाल पहुँच के, तो वो कैसे हैं। इसके मुतालिक अगर आपको ज़्यादा तफसीलात जाननी हो तो आप रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको बता सकता हूँ और क्या बेहतरीन जगहें, कौन सी जगह देखने वाली हैं। वैसे तो इंटरनेट पर भी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन फ़र्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कुछ चीज़ों के मुतालिक ऐसी है जो कि नॉर्मली नेट पर नहीं मिल पाती। जब आप पहुँचते हैं तो तभी आपको समझ में आती है, और हर मिजाज जो है वो भी मुख्तलिफ होता है। तो खैर ये तो तफसीली बातें हैं, लेकिन इंशाल्लाह आने वाले दिनों में छोटे छोटे क्लिप्स में आपको करके दिखाते रहेंगे यूरोप का बाकी ट्रिप। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।